हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WsCube टेक। आज हम वर्डप्रेस की जो वीडियो सीरीज है उसमें देखेंगे कि हम पेज कैसे क्रिएट करते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, और जो हम पेज क्रिएट करेंगे उसको हम वेबसाइट पे कैसे शो कर पाएंगे। जैसे जो आपने पेज क्रिएट किया, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि हमने दो पेज बनाए, होम और अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट, हम कितने भी पेजेस बना सकते हैं। उन पेजेस को हम वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे आप उनके मेन्यूज को सेट करेंगे, ये पूरा हम आज प्रोसेस देखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, पेजेस क्रिएट करना वर्डप्रेस के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर पेजेस को क्रिएट करना। देखिए, दो चीज होगी, आप पेजेस कहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर बनाएंगे। पेजेस जो आप पेज बनाएंगे वो आप क्या कर सकते हैं, मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। देखिए, वर्डप्रेस आपको प्योरली डायनेमिक वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। प्योर डायनेमिक वेबसाइट बनाने का मतलब ये हुआ, जो आप पेजेस बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब आप पेजेस चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप पेजेस के नाम अपडेट भी कर सकते हैं। तो देखिए, पेजेस बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले ये देखिए, आपके लेफ्ट साइड में देखिए मेन्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट, मीडिया, आपको जाना है पेजेस में। और पेजेस में भी ये क्या करता है, एक सैंपल पेज आपको बना के देता है पहले से, आप उसको डिलीट करके आप अपना पेज यहाँ पे बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऑल पेजेस आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक सैंपल पेज और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना के वो दे रहा है आपके सामने। ये आपको अगर जरूरत है तो आप इसको रखेंगे, नहीं तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को चेक करना है और आप यहां से मूव टू ट्रेस कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। देखिए, ये एकदम खाली हो गया है पेज, अब इसमें एक भी पेज नहीं है। अब हम यहां से क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए आप यहां से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू, और आप यहां भी कर सकते हैं। जैसे ऑल पेजेस में गए, ऑल पेजेस में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू, और यहां पे भी ऐड न्यू का आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे दोनों से सेम ही स्क्रीन ओपन होगी आपके सामने। मैं यहां पे जाता हूं और ऐड न्यू पे क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। देखिए, मैंने यहां पे क्या कर दिया, ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें वो पूछेगा ऐड टाइटल, मतलब आपको यहां पे पेज का नाम देना है, जो आप पेज का नाम बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जो आपकी वेबसाइट है वो क्या है, लोकल होस्ट स्लैश WsCube टेक, जो मैंने नाम दिया था, जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे देखिए, अब सारे पेजेस हट गए, यहाँ पे सैंपल पेज आ रहा था पहले, वो भी हट गया। यहाँ पे वो पेजेस के नाम जुड़ेंगे जो पहले आ रहा था सैंपल पेज, वो मैं बताऊंगा तरीका कैसे जोड़ना है आपको। यहाँ पे मैं एक पहला पेज बनाने जा रहा हूं होम नाम का, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। होम नाम का पेज बनाने के बाद आप यहाँ पे कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब कंटेंट कैसे ऐड होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंटेंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, मगर पहले मैं आपको पेज बना के दिखाता हूं। देखिए, और यहां से आप क्या करिए, पब्लिश कर दीजिए, इसको पब्लिश कर दिया आपने, एक पेज आपका बन गया। ऐड न्यू में जाके आप एक और पेज बना दीजिए यहां पे, और यहां पे आप दूसरे पेज का नाम दे दीजिए, क्या रखना है। तो मैंने यहां पे अबाउट अस रख दिया, और यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। फिर आप एक और पेज बना दीजिए, मैंने एक और पेज बना दिया यहां पे, किस नाम का बना दिया, कोर्स नाम का, और यहां पे पब्लिश कर दिया। देखिए, तो आपके तीन पेज बन गए, एक होम बना है, एक अबाउट बना है, एक क्या बना है, कोर्स बना है। तीन पेजेस मैंने यहां पे बनाए हैं। देखिए, ये तीन पेजेस जो बनाए, अभी केवल पेजेस के नाम बनाए आपने, कंटेंट इमेज ये कैसे आएगी ये मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, पूरा का पूरा आप यहां पे कंटेंट लेके आ सकते हैं, इमेज लेके आ सकते हैं, जो आपकी थीम आपको डिस्प्ले कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, यहां पे अभी मैंने तीन पेज बनाया, अब हम इसको मेन्यू में ऐड करेंगे। मेन्यू में ऐड करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने का मतलब जो आपको वेबसाइट पे दिखता है, जैसे होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, मैं यहाँ पे WsCube टेक की साइट खोल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोली है, होम, अबाउट, ये क्या है, आपके मेन्यू है। कुछ मेन्यू मैं भी अपने क्या करना चाहता हूँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट में बनाना चाहता हूँ। तो मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है और मेन्यूज में। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, मेन्यूज पे क्लिक करते ही यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे कि मेन्यू नेम, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मेन्यू नेम क्या कह रहा है कि आप बताइए कहाँ के लिए मेन्यू बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू ये मैंने अपने मन से दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको देना है। हेडर मेन्यू, टॉप मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। और यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। देखिए, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको पेज दिख रहे होंगे, होम, अबाउट, कोर्स। आपको सिंपल सा काम करना है, पहले आप होम पे चेक करिए और ऐड टू मेन्यू कर दीजिए, फिर आप अबाउट पे चेक करिए और ऐड टू मेन्यू कर दीजिए,
फिर आप कोर्स पे चेक करिए और एड टू मेन्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तीनों पेज आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं होम अबाउट कोर्स। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे पीछे भी कर सकते हैं इसका सीक्वेंस, क्योंकि इसका सीक्वेंस फिक्स नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे पीछे कर दीजिए। आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए तीन पेज बनाए होम अबाउट कोर्स। मैं यहाँ पे सीक्वेंस सही कर देता हूँ, होम अबाउट कोर्स कर देता हूँ, होम अबाउट कोर्स। अब देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो एड पेजेस। आप अगर इस चेकबॉक्स को चेक कर लेंगे तो होगा क्या कि अब आपको मेन्यू में आके इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा बार बार। नहीं तो प्रोसेस क्या होगा, आप जितनी बार भी पेज बनाएंगे आपको अपीयरेंस में आना पड़ेगा, मेन्यू में आना पड़ेगा, यहाँ पे आके ऐड टू मेन्यू करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस चलेगा। हमने अभी तीन पेज बनाया, अभी तीन पेज में वो देखिए ये पूछ रहा है डिस्प्ले लोकेशन। अब डिस्प्ले लोकेशन क्या कह रहा है, मेन मेन्यू या टॉप बार मेन्यू। आप दोनों जगह इसको चेक कर दीजिए, ये दोनों जगह आ जाएगा। थीम में अगर वो दो बार मेन्यू आपका कॉल हो रहा होगा तो ये दो बार आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और यहां से मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। देखिए सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टॉप मेन्यू में भी ये आ रहा है और नीचे भी ये आ रहा है। तो यहाँ पे होम कोर्स आ रहा है, अबाउट, तीन मेन्यू आ रहे हैं। मैं यहाँ पे सीक्वेंस क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ एक बार और सेव कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ भी सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आपको ऊपर से हटाना है तो यहाँ पे देखिए वो दो ऑप्शन दे रहा था, मेन मेन्यू और टॉप मेन्यू। तो आप टॉप मेन्यू को यहाँ से हटा दीजिए, जो टॉप बार मेन्यू है, और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपके मेन मेन्यू में ये रह जाएगा, ऊपर डेट आ रही है, वो इसके थीम में इनबिल्ट दिखा रहा है वो वहां पे डेट। तो ये हमने तीन पेज बनाए होम अबाउट कोर्स। देखिए अभी आप इन पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज भी खुलेगा। देखिए मर खाली है, कुछ नहीं है। अबाउट पे करेंगे तो अबाउट भी खाली होगा और कोर्स पे करेंगे तो कोर्स भी खाली होगा। हमें क्या करना है, इनके अंदर कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने का मतलब हुआ कि होम में मैं कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ टेक्स्ट, अबाउट में कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, कोर्स में कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ। ये आप कहां से डालेंगे, तो जब आपने पेज बनाया था तो वहां पे ऑप्शन आ रहा था कंटेंट डालने का। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हम चलेंगे कहां पे, ऑल पेजेस में। देखिए यहां पे ऑप्शन दिख रहा है ऑल पेजेस, यहां गए, यहां पे हमने एडिट किया होम को। एडिट होम करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। तो देखिए कंटेंट मैं यहां से ले लेता हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये कंटेंट कॉपी किया और यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। देखिए वो जिस तरह आप कंटेंट को कॉपी करते हैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है, जैसे H1 टैग में होगा या कुछ टैग्स यूज किए होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसी टैग में आ जाएंगे। देखिए कंटेंट आ गया। अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें थोड़ी इमेज भी आ जाए, एक मतलब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे इमेज को भी यूज करना है। तो इमेज को यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इमेज को यूज करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फीचर इमेज। जब आप यहाँ पे फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे तो सेट फीचर इमेज का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपके मीडिया में कोई भी इमेज नहीं है। मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो भी हम इमेजेस या कोई भी फाइल अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। हमें क्या करना है, अपने सिस्टम से इमेज को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, सेलेक्ट फाइल कर लेता हूं, यहां पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं। देखिए डेस्कटॉप पे जाके मैं ये इमेज क्या कर देता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए जैसे ही आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेक का और यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी। तो आप कितनी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे इमेज अपलोड करने में। देखिए यहाँ पे आपका टाइटल है, यहाँ पे आपका कंटेंट है, कंटेंट भी कितना भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्यूमेंट में क्या पड़ी है, इमेज, और आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए इसको। अपडेट करने के बाद आप जाएंगे होम पेज पे, जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ये हमने इमेज ऐड की थी और ये हमारा कंटेंट है। तो आप एक सिंपल सी पांच पेज की वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। आप पांच पेज बना दीजिए, पांच से ज्यादा पेज बना सकते हैं, होम अबाउट कोर्स गैलरी कॉन्टेक्ट, जितने भी पेज बनाना चाहते हैं आप बनाइए। उसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कंटेंट में आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं और टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आप पेजेस कैसे बनाते हैं, पेजेस को मेन्यूज में कैसे सेट करते हैं और मेन्यूज सेट होने के बाद पेजेस में कंटेंट कैसे ऐड करते हैं। मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे, जो हम लोकल सिस्टम पे वेबसाइट बना रहे हैं इसको हम डोमेन या होस्टिंग पे कैसे लेके जाएंगे,
मैं डोमेन और होस्टिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, लोकली काम कर रहे हैं। अब ये लोकल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, लाइव भी करेंगे डोमेन पे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोकल पे जो वेबसाइट बनाते हैं उसको हम लाइव कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।